दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में। जी हाँ दोस्तों, हरदोई जिला जो लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, राजनीति की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। आपने सतयुग के हिरण्यकश्यप का नाम सुना होगा, जो विष्णु का विरोधी था, विष्णु का घोर दुश्मन था और प्रहलाद का पिता था। वो प्रहलाद जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उनका पिता था हिरण्यकश्यप। मानते हैं कि यहाँ हरदोई को पहले हरिद्रोही कहा जाता था। हरिद्रोही मतलब हरि का द्रोही, और इसी हरि का द्रोही और कोई नहीं हिरण्यकश्यप था। उसी हरिद्रोही के नाम से पढ़ते पढ़ते इसका नाम हरदोई पड़ा और आज भी इसको हरिद्रोही यानी कि हिरण्यकश्यप की राजधानी के रूप में जाना जाता है। फिलहाल हम यहाँ मौजूद हैं, एक बहुत प्राचीन मंदिर है हरदोई माता का मंदिर। आपने जैसे शिरडी में साईं बाबा का दरबार देखा है, उनकी धुनी देखी है, उनकी कृपा देखी है, वैसे ही इस हरदोई जिले में हरदोई बाबा की महिमा विख्यात है और बहुत ही विशेष स्थान इनको प्राप्त है। कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, कोई अधिकारी हो, इनकी डेहरी पर बिना माथा टेके अपने काम की शुरुआत नहीं करता, अपना कोई शुभ कार्य नहीं करता। हरदोई के अंदर कोई भी मुंडन संस्कार हो, कोई भी जन्मदिन हो, कोई भी किसी बड़े कोई भी बड़ा संस्कार कार्यक्रम हो, वो पहले हरदोई बावन की दहलीज पर आता है, यहाँ माथा टेकता है, इनसे अर्जी लगाता है, इनसे स्वीकृति प्राप्त करता है, तब उसके बाद उसके सारे काम शुरू होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी हरदोई बाबा के मंदिर में लेके आए हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है। हरदोई बाबा आखिर कौन थे? कोई देव पुरुष थे या देवता थे? कौन थे? कितनी वर्ष पुरानी ये बात है? उनका यहाँ कितना प्रताप कैसे बढ़ा? वो कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए? सारी बातों पर से हम पर्दा उठाएंगे, आपको यहाँ के एक एक मंदिर में विराजी मूर्तियों के, उनके ऐतिहासिकता के, उनके प्रामाणिकता के बारे में बताएंगे, दिखाएंगे, साथ साथ यहाँ के पुजारी जी से बात करके हरदोई बाबा का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, आपको भी बताएंगे और इनकी महिमा के बारे में भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ कैसा भारत न्यूज के कैमरे पर।
देख सकते हैं हरदोई बाबा के मंदिर में इस समय शाम का वक्त है, लगभग 8 बज रहा है और इस समय तमाम भक्तगण यहाँ मौजूद हैं। बहुत तमाम लोग यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ आते हैं, आरती में शामिल होते हैं, यहाँ पर आकर आशीर्वाद देते हैं। कुछ नए लोग, कुछ पुराने लोग, कुछ यहीं के लोग, कुछ बाहर के लोग, सभी यहाँ आते हैं। कोई भी नया अधिकारी आए, कोई भी नया प्रशासनिक ऑफिसर आए, इस मंदिर में अपनी हाजिरी लगाने जरूर आता है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ लगी हुई है, भक्तों की भक्त यहाँ मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं। यहाँ बच्चों की संख्या कुछ अधिक ही दिखाई दे रही है। उसका रीजन सबसे ज़्यादा ये है कि इस मंदिर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तमाम नज़रें लग जाती हैं, हाय लग जाती हैं। ऐसे बच्चों की यहाँ पर हाय और नज़र भी उतारी जाती है। देख सकते हैं आप मेरे सामने पुजारी जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, जो महिलाएं आती हैं, उनको जो नज़र लगती है, हाय लगती है या कोई किसी प्रकार का कष्ट होता है तो यहाँ पर उनकी नज़र उतारी जाती है पुजारी जी के माध्यम से, उनके द्वारा। और लोग यहाँ से स्वस्थ होकर जाते हैं, यहाँ से लाभ लेकर जाते हैं। यहाँ जो भी अर्जी लगाई जाती है लगभग यहाँ पूरी होती है, इनके बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। और एक बात जो बहुत विशेष है, जो हमें यहाँ जानकारी मिली है, उसको भी हम आपको बताएंगे कि हरदोई जिले के अंदर कहते हैं कि यहाँ पर आज तक कभी किसी को खांसी नहीं हुई। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ से प्रशासन को बाबा से अनुमति लेनी होती है और बाबा ने यहाँ पर आज तक कभी किसी को फांसी नहीं लगने दी। यानी हरदोई के अंदर कह सकते हैं कभी कोई फांसी से नहीं मरा। तो चलिए दोस्तों, हम इस मंदिर में मौजूद पुजारी जी के साथ चलेंगे और यहाँ के बारे में, इस मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, धूनी के बारे में, बाबा के बारे में एक एक बात आप तक पहुँचाएं। दोस्तों देख सकते हैं कि बाबा पुजारी जी जो लोगों की आय या नज़र उतारते हैं, उनको प्रसाद स्वरूप जो देते हैं वो यहाँ का मुख्य प्रसाद, इस धूनी जो हमने अभी आपको दिखाई थी, जो अनावृत जलती रहती है, वो धूनी यहाँ जो अनावृत चलती रहती है, उस धूनी की जो भस्म है वही पुजारी जी के द्वारा लोगों को दी जाती है। सामने देख सकते हैं ये धूनी है, धूनी की जो भस्म है वही लोगों को दी जाती है और वही बच्चों को और लोगों को लगाई जाती है और उसी से लोगों को लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले इस बाबा धाम के, इस बाबा के मंदिर, प्राचीन मंदिर के पुजारी जी के पास लेके चलते हैं, जिनको यहाँ का इतिहास पता है, बाबा कौन थे, कैसे आए, ये मंदिर की क्या प्रमाणिकता है, क्या इसकी महत्वता है, कैसे यहाँ लोग, किस तरीके के लोग आते हैं, कब से आते हैं, कितना पुराना है, इस सब बातों पर से पर्दा उठाते हैं। यहाँ के पुजारी जी से हम आपके दीदार कराते हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार पुजारी जी। आप दर्शकों को सबसे पहले अपना नाम बताइए पुजारी। राजेश तिवारी। राजेश तिवारी पुजारी जी, ये बाबा का मंदिर कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, कब से है यहाँ हरदोई जिले में, और बाबा कौन थे आखिर, उन किनके नाम पर ये मंदिर बना, कोई देव पुरुष थे या देवता थे, क्या थे, इन सब बारे में हमें जानना है। और साथ साथ ये धूनी जो जल रही है, इस धूनी का क्या महत्व है, ऐसी धूनी हमने शिरडी में साईं बाबा के दरबार में देखी, क्या ऐसा ही कुछ यहाँ भी है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। बाबा एक संत थे, बहुत पुराने संत थे, ये झारखंड के नाम से जंगल जो मशहूर था, बहुत प्राचीन काल का ये बहुत भव्य मंदिर, ये जंगल था, इस जंगल में जो है कोई आता जाता नहीं था यहाँ, ये बाबा काफ़ी दिन से जगह बैठे अपनी तपस्या करते थे और उस जंगल में लोग निकलते बैठते रहते थे। आखिरी में इलाकात ज़्यादा काफ़ी दिन जो पुराना हो गया जी, बाबा की उम्र काफ़ी हो गई, तो बाबा ने समाधि ली जी, इसी जगह हवन कुंड जहाँ बना तहाँ पे बाबा ने कमंडल से जल निकाला और छिप्पा मार दिया तो ये धरती फट गई, धरती माँ के गोद में बाबा अर्पण हो गए। उसके बाद बाबा अपना जो है, उन्होंने कहा जो इस धरती से निकलेगा उसी की पूजा होगी, हरदोई जिले में हम फांसी नहीं लगने देंगे, मुंडन मरझटने अन्नप्राशन सब हमारी ड्यौड़ी पे होंगे और हमारा ये प्राचीन काल का मंदिर ब्राह्मणों के द्वारा ये देशी घी का हवन परमानेंट चलता रहेगा और देशी घी का दीपक कभी बुझेगा भी नहीं, और ये अग्नि और दीपक ये उसी पीरियड से बराबर तब से चल रहा है। पता नहीं कितने पुजारी नष्ट हो गए, कितने आए चले गए, लेकिन ये ऐसे ही चलता रहे। पुजारी जी, एक तो हमें वो हवन और वो दीपक भी दिखाइए जो अनावृत जलता है, साथ साथ ये बताइए कि ये बाबा को यहाँ से गए हुए कितने वर्ष बीत गए होंगे, लगभग कितना पुरानी बात है ये। 250-300 साल लगभग
जरूर हो गया जी। ये आहुति है बाबा महाराज जी, ये देसी घी का हवन बराबर चलता रहता जी। देवताओं की जय हो। ये धुनी है, ये धुनी परमानेंट ही चलती रहती है जी, ये कभी कुछ नहीं चलती। 300 साल पुरानी धुनी है जी। अब ये धुन पकड़ा हुआ चलिए दोस्तों देखते हैं। अभी हमने आपको धुनी दिखाई, पुजारी जी ने धुनी दिखाई जो अनावरत जलती है। वो दीपक दिखाएंगे जो बाबा का दीपक अनावरत पिछले कई सौ वर्षों से जल रहा है। ये बीच वाले बाबा महाराज बूढ़े बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और वो हरना, ये है नरसिंह भगवान जो हरना। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये अखंड ज्योति है जो पिछले कई सौ वर्षों से लगातार चल रही है। और अब हम यहाँ पर मौजूद जो प्रतिमाएं हैं उनके बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन हैं, किस किस की प्रतिमाएं हैं, इनके बारे में जानते हैं। और बाबा की प्रतिमा, वास्तव में बाबा की कोई प्रतिमा यहाँ मौजूद है या नहीं है या क्या है, वो भी हम पुजारी से जानने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी, ये जो सामने अखंड ज्योति जल रही है ये बाबा की, क्या बताएंगे कि यहाँ जो प्रतिमाएं लगी हैं वो किन किन की हैं? बाबा महाराज जो ये है मूर्ति है बाबा महाराज की, ये धुनी से निकली हुई है। कौन सी मूर्ति है इनमें से? बूढ़े बाबा नाम की है। बूढ़े बाबा के नाम से मूर्ति है इसमें से, तीनों में से। ये बीच वाले बूढ़े बाबा हैं और इधर ये काल भैरव महाराज है, वो नरसिंह भगवान है जिनके मुंह में बतासा लगा हुआ। ये नरसिंह भगवान है, ये बाबा महाराज ये धुनी से निकल गए थे, अपनी मूर्ति निकाली थी। यानी ये स्वयंभू मूर्ति है। हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी पुजारी जी ने हमें बताया कि बीच वाली जो प्रतिमा है ये बाबा की ही प्रतिमा है। और जब बाबा ने समाधि ली इस मंदिर में, उनका शरीर छीण हीण हो गया था और उन्हें लगा कि अब उन्हें इस मृत्यु लोक से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, तो उन्होंने यहीं पर समाधि ली और धरती के अंदर समा गए। लेकिन वो जाने के बाद इस संसार के लोगों की मदद करने के लिए, इस संसार के लोगों के दुख दूर करने के लिए, मनुष्य जाति की मदद करने के लिए अपनी एक स्वयंभू मूर्ति, अपनी स्वयंभू प्रतिमा यहाँ प्रकट करके गए। जो प्रतिमा आप मेरे ठीक सामने कैमरे पर देख रहे हैं ये बाबा की प्रतिमा है, जिनके बगल में लगातार अखंड ज्योति पिछले कई सौ वर्षों से जल रही है। यही बाबा की मुख्य प्रतिमा है। और उनके बगल में आप देख सकते हैं काल भैरव की प्रतिमा है और इसके ठीक बगल में भगवान नरसिंह की प्रतिमा है। तो दोस्तों अब हम, अभी हमने आपको बाबा की धुनी दिखाई, बाबा का अखंड ज्योति दिखाई और बाबा की प्रतिमा भी दिखाई। चलते हैं पुजारी जी के साथ अंदर, भवन में और भी कई प्रतिमाएं विराजित हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये किन की प्रतिमाएं हैं, ये किस किस की प्रतिमाएं हैं और इनकी क्या विशेषता है। ये विष्णु भगवान महाराज, ये विष्णु भगवान की मूर्ति है जी। ये भी हरणाकश्यप के किले खोदा गया था तभी निकली थी। अच्छा। और एक ग्रेनाइट की मूर्त है जी, ये भी बहुत सच्ची है जी। ये भी पुरानी, काफी पुरानी ये भी मूर्ति है जी। ये पीपल की प्रतिमा देख लीजिए, ये वर्षों पुराना ही, इतने न घटता न बढ़ता, ऐसे ही रहता जी। दोस्तों अभी पुजारी जी ने हमें ये सामने लगी प्रतिमा दिखाई, हम इस प्रतिमा को आपको अपने कैमरे पर साक्षात दिखा रहे हैं। ये देखिए भगवान विष्णु की प्रतिमा है, पुजारी जी का कहना है ये भगवान श्री हरि भगवान विष्णु की प्रतिमा है और काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है, बहुत भव्य प्रतिमा है। और ये एक पीपल के वृक्ष के नीचे विराजित है और ये पीपल का वृक्ष पुजारी जी के अनुसार माने तो ये बहुत प्राचीन वृक्ष है, लेकिन ना तो ये बढ़ता है ना घटता है, जितना है इतना ही रहता है ये वृक्ष। ये भी बड़ा पौराणिक वृक्ष है। और ये प्रतिमा के बारे में जो पुजारी जी ने हमें बताया कि जैसा हमने आपको पहले बताया कि ये हरिद्रोही, पहले हरिद्रोही के नाम से जाना जाता था, हरिद्रोही यानी हिरण्यकश्यप जो हरि का द्रोही था और उसकी ये राजधानी हुआ करती थी। आज वो बात बहुत पुरानी हो गई, सतयुग की बात है, लेकिन उनकी राजधानी को यहाँ पर जो अवशेष या जो पहाड़ थे उनको खोदा गया, तो उस खुदाई के दौरान ये प्रतिमा भगवान हरि की, भगवान विष्णु की यहाँ पर निकली थी। अब हम थोड़ा सा पुजारी जी से जानने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि बात बार बार आ रही है सामने कि ये हिरण्यकश्यप की राजधानी है, तो क्या यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा के अलावा कोई ऐसे प्रमाण अभी तक मिले हैं जिनसे ये साबित हो कि ये वाकई में हिरण्यकश्यप की राजधानी थी? पुजारी जी हमें, दर्शकों को ये बताइए, हम कई बार से ये सुनते आ रहे हैं कि हरिद्रोही जो है, पहले हरिद्रोही था, इसका नाम बाद में हरिद्रोही पड़ा, और हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिता थे
उनकी ये राजधानी थी। यहाँ पर ये विष्णु प्रतिमा के अलावा कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण कभी कोई मिला देखने को, प्रशासन ने खुदाई कराई हो या कहीं मिला हो, जिसमें ये प्रमाणित हो कि ये वास्तव में हिरण्यकश्यप की राजधानी ही थी? ये पास में कम से कम आधा किलोमीटर पे शरणों देवी का मंदिर है जी, वहाँ पे एक क्षति का कान गिरा था जी, तो वहाँ पे हिरण्यकश्यप का जो है वहाँ पे मंदिर है, शरण देवी के नाम से जाना जाता जी, उसी पे प्रहलाद कुंड है, हिरण्यकश्यप का जिस जगह वध हुआ था जी, तो वहाँ पे प्रहलाद कुंड बनाया गया जी, जी, तो आज भी वहाँ पे प्रहलाद कुंड बना, हिरण्यकश्यप की बहुत बड़ी प्रतिमा बनी है जी, काफी दिन से जो है कहीं भी पूछ लीजिए उसी खंभे में जो बांध के मारे गए थे जी, तो वो आज भी जगह मौजूद है और ताल भी वो मौजूद है। और सती का जहाँ पे कान गिरा था वहाँ शरण देवी मंदिर बना, भव्य मंदिर जी, देखने लायक, काफी दूर से प्रसिद्ध है उसकी जी, जो आते हैं तो वहाँ जाते जरूर जी जी। अच्छा पुजारी जी, 51 शक्ति पीठ हैं भारतवर्ष में जहाँ सती के अंग गिरे थे हाँ, लेकिन उनमें से कहीं पर भी श्रवणा देवी माता के शक्ति पीठ का कहीं जिक्र नहीं देखने को मिला, तो ये प्रमाण कैसे सिद्ध होता है कि वो शक्ति पीठ सती के ही अंग से बना है? एक बात। दूसरा सवाल मेरा आपसे एक है कि आपने कहा कि प्रहलाद का हिरण्यकश्यप की ये राजधानी थी और प्रहलाद के जो प्रभु थे यानी भगवान विष्णु, उन्होंने नरसिंह अवतार में यहाँ पर जो कुंड बना है उस कुंड में उसकी हिरण्यकश्यप को सीना चीर कर ख़त्म किया था, यानी ये राजधानी उनकी है। हमारी जानकारी के अनुसार नरसिंह की पूजा ज्यादातर साउथ में होती है और साउथ वालों का मानना है कि नरसिंह भगवान वहां हुए थे, एक बात। दूसरी बात, झांसी जनपद से 70 किलोमीटर दूर एक एरच नाम का स्थान है कस्बा, जहां आज भी, यहां हमें ऐसे कोई प्रमाण तो खैर नहीं मिले, लेकिन वहां हम जब गए अपनी रिपोर्ट बनाने तो वहां हमें हिरण्यकश्यप का किला, सतयुग का किला आज भी मिला है, हालांकि वो अवशेष के रूप में है, बाकी नदी जो बगल में बेतवंती गंगा है उसमें समा चुका है, लेकिन 100 फुट तक का किला आज भी शेष है। दूसरा, वहां हमें वो स्थान मिला जहां होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में रखकर जलाया था, और इसका प्रमाण इस बात से सिद्ध होता कि जब वहां खुदाई की गई तो कई हजार वर्ष पुरानी एक प्रतिमा मिली जिसमें होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाए हुए हैं और उसको पुरातत्व विभाग ने प्रमाणित किया। तीसरा, वहां जो प्रमाण मिला वो कयाधु जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी उनका वहां पर एक मंदिर मिला है जिसमें वो अक्सर पूजा करने जाया करती थी, जहां आज भी प्राचीन मूर्तियां वैसी की वैसी मौजूद हैं। और चौथा प्रमाण वहां पे जो हमने देखा अपनी आंखों से, अपने कैमरे में कैद किया, वो पर्वत था जिस पर्वत से हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को सागर में सिपाहियों द्वारा फेंक दिया गया था, तो वो सागर नहीं था, वो सागर के समान गहरी पाताल तोड़ बेतवा नदी है, और वो पर्वत वहां आज भी मौजूद है, और उस पर्वत के नीचे जब प्रहलाद को वापस विष्णु लेके आए तो जहां पे जिस पत्थर पे छोड़ा वहां आज भी प्रहलाद के पदचिन्ह मौजूद हैं, और इसकी प्रमाणिकता वहां पर पुरातत्व विभाग द्वारा भी की गई। तो ये जो एक भ्रमित करने वाली समस्या जो है वो अभी तक समझ में नहीं आ रही, उलझी हुई गुत्थी है कि हरदोई राजधानी आप कह रहे हैं यहाँ थी हिरण्यकश्यप की, जबकि ज्यादातर जो ऐतिहासिक प्रमाण है, जो पुराने प्रमाण है जिसकी जिससे ये सिद्ध होता है कि ये पुरानी चीजें हैं, वो वहाँ झांसी के पास 70 किलोमीटर एरच में पाई गई हैं और आज भी मौजूद है, प्रशासन ने उसको जानकारी जुटाई। यहाँ हमें अभी तक ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला, जो हमने कुंड देखा है वो भी आधुनिक बना दिया गया है, उसको उसमें पैसा लगा के ऐसा लगता है जैसे अभी नया स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, मूर्ति भी नई है, पिलर भी नया है, कुंड भी नया है, और अभी तक हमें यहाँ पर ऐसा कोई विशेष प्रमाण नहीं मिला, अगर एक ये विष्णु प्रतिमा को हम छोड़ दें तो, कि जहां से ये सिद्ध हो कि ये वाकई में हिरण्यकश्यप की राजधानी, तो इस पर से थोड़ा सा पर्दा उठाइए आप, इसके बारे में हमें बताइए। इसके बारे में जितनी जानकारी है उतना तो बताए भाई, इतने पुराने हम भी नहीं जी, लोग कहते हैं जी, बना तो अभी है, लेकिन प्राथमिक की चीज जो बोली जाती है जी, वही हमने बताया जी, तो किसी सती का कान गिरा था तभी ये शरण देवी का मंदिर बनाया गया और काफी पुराना है जी, तो जितनी जहाँ तक जिसको मालूम, हमको जो मालूम हमने बताया जी, जी, और जिसको मालूम था उसने हमको बताया, जानकारी जैसे जैसे हो जी, 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 जी। अब किसी पुराने आदमी से या ऐतिहासिक पूछो तो पूरी जानकारी उससे हो सकती जी, जी, तो मतलब ऐसा अभी कोई
मतलब आंखों से जिसे देखा जा सके, आज की पीढ़ी भी देख सके, ऐसा कोई किला या उनका सिंहासन या उनका महल ऐसा कोई प्रमाण अभी शायद मौजूद नहीं है? ऐसा नहीं है जी। किला बना है केवल हरणाकश्यप का जी, वो लाल बहादुर शास्त्री कहा जाता है जी, कॉलेज जी कभी था वो किला, कभी था कॉलेज बन गया है, लेकिन अभी वहाँ कॉलेज के अलावा कोई प्रमाण नहीं है। वो बाउंड्री पूरी घिरी है, घेरा है जी, तो घेरा है, हरणाकश्यप किला ही बोला जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अब ये तो हमने दर्शन कर लिए, अब हम आपसे एक चीज जानना चाह रहे थे कि यहाँ पर बाबा के मंदिर में किस किस तरीके की समस्याएं लेकर लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए टोना टोटका का आजकल चलता है, या मान लीजिए भूत प्रेत की समस्याएं, क्या ऐसे लोग भी आते हैं, या हाय या नज़र लगने की जैसी समस्याएं, या केवल जो मुंडन संस्कार या इस तरीके के जो संस्कार होते हैं अपने सनातन धर्म में उनके ही लोग आते हैं, ऐसे किस तरीके के लोग यहाँ आते हैं? यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं, किसी की तो शादी नहीं होती जी, किसी की शादी रुकी हुई, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, किसी की कोई चीज़ उठ गई तो बाबा के पास मन्नत मानने, या महाराज हमारी चीज़ मिल जाएगी तो हम इतना ये चढ़ाएंगे जी। तो दुनिया की समस्याएं सब बाबा के पास आती हैं जी, मुंडन मरचटने अनुप्राशन तो बराबर कंटिन्यू होते ही रहते हैं जी, लेकिन ये भी समस्या होती है, किसी की नौकरी नहीं लगती है जी, तो माथा पटकेगा यहाँ करके कि महाराज हमारी नौकरी लगे, तो यहाँ पे समस्या जो है हल सब होती है, हल सब आज तक यहाँ कोई फेल होके नहीं गया हमारी जान में। यहाँ से जिसने अर्जी लगाई वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा है, बाबा ने उसकी झोली भर के ही भेजा, झोली भर के, बरसों वर्ष पुराने बच्चे नहीं थे, और जिसने इनको ताड़ लिया कि बाबा हम तुम्हारे सहारे हैं जी, दूसरी कहीं नहीं गया इन्हीं के सहारे हुआ, तो उसकी गोद जरूर भरी गई किसी न किसी जरूरत से, दिन कितने हो जाए लेकिन सूनी गोद कभी नहीं रही, सूनी गोद कभी नहीं रही। अच्छा एक चीज और बताइए पुजारी जी, आपने हमें बताया था कि यहाँ पर हरदोई जिले के अंदर कभी भी कोई किसी व्यक्ति को फांसी नहीं दी गई, तो ये मतलब पिछले कितने साल से जब मंदिर है तब से आज तक क्या कभी इस क्षेत्र में कभी कोई फांसी नहीं हुई? ये फांसी हुई जब बाबा महाराज जब इसने समाधि ली थी जी, उसी पीरियड में समाधि तब फांसी दी जाती थी। अच्छा, इन्होंने डायरेक्ट मना किया। अच्छा, कि हरदोई जिले में हम बूढ़े बाबा के नाम से जाने जाएंगे, हरदोई जिले में हम फांसी नहीं लगने देंगे, जाज हो या ना जाज हो, फांसी वाला फंदा जो है बाहर भिड़वा जाएगा। तो यहाँ पे किसी को फांसी दी गई, बाबा ने सपना दे दिया जी, छाया अपनी इन्होंने दिखा दिया, उसी पीरियड से फांसी रुक गई, तब उसी पीरियड से जिला हरदोई जिले में फांसी नहीं लगी। तो दोस्तों आपने सुना पुजारी जी के मुख से एक बहुत बड़ी बात कि इस जिले के अंदर हरदोई जिले में कभी भी कोई मुलजिम कोई भी व्यक्ति फांसी पर नहीं चढ़ा, और ये करिश्मा बाबा की इस मंदिर का, इस पवित्र भूमि का, इस भूमि का कमाल है, बाबा के प्रताप का कमाल है कि इस क्षेत्र में कभी किसी को फांसी नहीं दी गई। साथ साथ यहाँ से जो भी मन्नत लेकर आया, झोली फैला कर आया, सच्चे दिल से आया, वो यहाँ से कभी खाली नहीं लौटा। दोस्तों एक यहाँ पर चित्र लगा हुआ है, पुजारी जी से जानने की कोशिश करते हैं क्या ये बाबा का ही चित्र है? पुजारी जी, ये चित्र ये मेन पुजारी है पहले के जी, तो बहुत पुराने पुजारी हो गए, ये भी 130 साल के हो गए जी, इन्होंने जो है जीवन पर दिया जी, और इनकी माया बड़ी परम्परा थी जी, ये यहाँ से देसी घे का हलवा उलवा करके जेल में बांटते थे। अच्छा, और बहुत तपस्वी इंसान थे जी, मतलब इन्होंने दान पुण्य इतना किया, इतनी तपस्या किया, तो इनकी प्रतिमा यहाँ लगाना पड़ा जी जी जी, और ये सामने जो इनके हैं जी, ये बड़े भाई हैं, बाल ब्रह्मचारी थे, ये बाल ब्रह्मचारी चंदनलाल महाराज के नाम से जाने जाते। दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर जाना मना है, और हम इस प्रथा को नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि हमारा मकसद कुछ अच्छा दिखाना है, कुछ गलत करना नहीं। सामने देख सकते हैं एक प्रतिमा लगी हुई है, पुजारी जी ने बताया हमें इनके बारे में कि ये भी बाल ब्रह्मचारी थे, और ये भी यहाँ के सेवक थे, यहाँ के भक्त थे, यहाँ के बाबा थे, और इनकी यहाँ प्रतिमा लगी है, और इनके बारे में भी जानते हैं कि इनका क्या प्रताप है और कितनी पुरानी प्रतिमा है। पुजारी, ये कितनी पुरानी प्रतिमा है और कौन थे ये? ये यही के बाबा हैं, बाबा के भक्त थे ये। अच्छा, दोनों भाई भाई थे। अच्छा अच्छा, पहले शुरुआत में इन दोनों लोगों ने पूजा करी, तब ये मंदिर इतना बना नहीं था जी, ऐसे था, ईटा उटा नहीं लगा था जी, मठिया टाइप का था जी, तो इन्होंने बहुत तपस्या करी, अंग्रेजों की पीरियड से, अंग्रेजों से खूब लाठी चलाई इन्होंने जी,
और पहले गुड़ उड़ खुर चढ़ाई जाती थी जी, बिलिया आती थी और जो घी आता था वो मिट्टी के बर्तन में आता था जी, तो बाबा का ऐसे चढ़ाया जाता था जी। और ये लोग ऐसे जो यहाँ बैठते थे तो ये धीरे धीरे बढ़ोतरी होती रही जी। अभी भी काफी साल हो गए, 130 साल के भी हो के खत्म, 130 साल हाँ, काफी पुराने होकर पुराने और डर कसरत खूब बैठे थे यहाँ जी, और मालिश और घी दूध खाना और डर कसरत करना, दान पुण करना, अच्छा बांटना, हजारों आदमी यहाँ पे खड़ा खड़ा खूब चलता था जी जी। चलिए धन्यवाद पुजारी जी, आपने हमें बाबा के दरबार के बारे में विस्तृत जानकारी दी, दर्शकों को जानकारी दी। निश्चित रूप से दर्शकों को बाबा के मंदिर जो हरदोई जिले में है और यहाँ का प्रमुख मंदिर है, इस मंदिर के बगैर कोई काम, चाहे वो शुभ काम हो, चाहे वो कोई अधिकारी का यहाँ आना हो या जाना हो, या किसी को चुनाव लड़ना हो या चुनाव जीतना हो, या परिवार के कोई संकट या समस्या या नौकरी हो या कोई समाधान हो, कोई भी काम बाबा के दरबार के बगैर संपन्न नहीं होता जब तक बाबा के दरबार में हाजिरी ना लगाई जाए। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पुजारी जी से भी बात की, यहाँ के एक एक इतिहास को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, और आप तक अपनी हर एक बात इस मंदिर की से जुड़ी पहुँचाने की कोशिश की। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें अपने विचार लिखना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं किसी और विशेष ऐसे ही स्थान पर, तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय भारत।